वैसे तो बॉलीवुड में दर्जनों चेहरे ऐसे हैं जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब बात एक आइटम गर्ल राखी सावंत की हो तो उनकी बेबाकी से तो भैया हाथ ही जुड़वा लीजिए। अनूप जलोटा जी का जलोटा निकल जाएगा, सिर्फ लोटा ही रह जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब वो ठीक तरह चल भी नहीं सकते तो कांड क्या करेंगे, है ना। कांड ही नहीं कर पाएगा इंसान तो लड़की कैसे रहेगी उनके पास। पता नहीं उनके मुंह और दिमाग के बीच की तार जुड़ी हुई है भी या नहीं, क्योंकि जब भी वो अपना मुंह खोलती हैं तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होनी तो तय ही है। ऐसा नहीं है कि अपने शब्दों से हमेशा कोई और ही कटघरे में खड़ा होता है, बल्कि कभी कभी तो उनके बयान उनके लिए ही आफत साबित हो जाते हैं। कई दिनों से मीडिया में गुमनाम रहा राखी सावंत का नाम तनुश्री दत्ता के मीटू केस के बाद फिर से दौड़ चला है। आए दिन सोशल मीडिया पर उनके विवादित बयान वायरल हो रहे हैं। मीटू के बयान पर ही उन्होंने तनुश्री दत्ता पर अपने साथ रेप करने के संगीन आरोप लगाए थे। आज से 12 साल पहले मुझे बहुत शर्म आ रही है और बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए कि मेरे साथ भी रेप हुआ था, मेरे साथ बलात्कार हुआ था। मुझे ये शब्द कहने नहीं चाहिए, एक बींग अ गर्ल। बहुत शर्म आ रही है मुझे ये कहते हुए। मेरे आंखों में आंसू है, मेरे हृदय छिलनी है, मुझे अंदर से इतनी तकलीफ हो रही है। आज तक मैंने जबान नहीं खोली। बहुत मीटू मीटू हो रहा है। अब मैं चाह रही हूँ कि शीटू हो। तो राखी सावंत का बलात्कार रेप बार बार तनुश्री दत्ता ने किया है। अब आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है कि एक लड़की लड़की का बलात्कार कैसे कर सकती है। 377 कानून लागू हो गया है, किस पे लगा है आप जानते हैं। ही टू ही, शी टू शी। आपको क्या लगता है तनुश्री दत्ता ने बाल क्यों मुंडवाए थे? वो एक लड़की नहीं, लड़का है, अंदर से वो एक पूरा लड़का है। इसके जवाब में तनुश्री दत्ता ने राखी पर 10 करोड़ का मानहानि का केस कर दिया है। हाँ, मैं अंगूर हूँ और तनुश्री दत्ता लंगूर है, क्योंकि उन्हें यह अंगूर नहीं मिल पाया, इसलिए उन्होंने मुझ पर 10 करोड़ का डेफिमेशन का केस किया। वहीं इस बार के बिग बॉस में भजन सम्राट अनूप जलोटा पर भी वो टिप्पणी करने पर बाज नहीं आई। उन्होंने अनूप जलोटा के लिए ऐसा कुछ बोला कि हम वो आपको सुना भी नहीं सकते। कि ऐसा नकारा नहीं है, हाँ जसलीन और अनूप जी का बहुत अच्छा टाका भिड़ा हुआ है। और एक्चुअली क्या ना, एक्चुअली मैं बताना चाहती हूँ कि अनूप जलोटा जी जो है उनको पहले से 3 बीवियाँ भाग गई। अब ऐसा कौन सा कांड करते कि 3 बीवियाँ भाग गई? वो शायद कांड नहीं करते होंगे इसलिए भाग गई। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो हर यंग लड़की को पीछे जाते ही है और हर लड़की से वो अफेयर करते हैं। और मैं सच कहती हूँ कि अनूप जलोटा जी, अगर जसलीन चली जाए तो चिंता मत करना, मैं हूं ना, मैं आपके साथ कांड करूंगी। बहरहाल राखी सावंत के बयानों को तो एयरफोन्स के बिना सुना नहीं जा सकता, और आप खुद ही उनके बयानों को सुनो, समझो और फिर जांचो कि उनके शब्दों में कितनी सच्चाई है और कितनी टीआरपी मसाला। नेशन वन के लिए अर्पित की रिपोर्ट।